किसी को देना या लेना आम बात है, जैसे विवाह या कोई शुभ अवसर पर व्यक्ति अपने साथ कोई ना कोई उपहार लेकर अवश्य आता है। वही उपहार लेने देने से व्यक्ति को खुशी का अनुभव भी होता है। वही आजकल के समय में किसी भी प्रकार का कोई समारोह हो या कोई भी छोटी सी पार्टी हो, व्यक्ति एक दूसरे को उपहार अवश्य देते हैं। लेकिन कई बार व्यक्ति के जीवन में अचानक से ही बहुत से बदलाव देखने को मिलते हैं या समस्याएं आने लगती हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि कुछ खास तरह के उपहार लेकर घर में रखने से व्यक्ति को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि इन चीजों को किसी से उपहार के रूप में लेने से जीवन में परेशानियां दस्तक देने लगती हैं, जिसको भूलकर भी किसी से उपहार के रूप में नहीं लेना चाहिए। ये बहुत ही अशुभ चीजें मानी जाती हैं। आइए जानते हैं किन चीजों को उपहार में नहीं लेना चाहिए। बात करेंगे पहली चीज, आप कभी भी भूलकर किसी से डूबते हुए जहाज की मूर्ति या पोस्टर उपहार में ना लें और भूलकर किसी को ना दें। इस तरह की कोई तस्वीर अपने घर में भी ना रखें, इससे आपको अशुभ फल मिलता है। साथ ही इस तरह की मूर्ति या तस्वीर अपने घर में रखने से आर्थिक नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। दूसरी चीज जो आपको कभी भी भूलकर किसी से उपहार के रूप में नहीं लेना चाहिए, जी हाँ, वो है हिंसक जानवर जैसे बाघ चीता की तस्वीर या मूर्ति। इससे आपके आपसी रिश्तों में टकराव बढ़ती है। आप कभी भी भूलकर उपहार के रूप में किसी को चाकू छुरी ना दें और ना ही आप उपहार में किसी से लें। इस तरह का उपहार लेने से आपके परिवार में कलह का वातावरण बनता है, साथ ही पारिवारिक सदस्यों के बीच दूरियां भी बढ़ती हैं। इसके अलावा आप कभी भी किसी से उपहार में काले रंग के कपड़े ना लें और ना ही किसी को उपहार में इस रंग के कपड़े दें। ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। आपको बता दें कि इससे दुख, कष्ट और पीड़ा होती है। वहीं अगर आप किसी को उपहार के रूप में जूते देते हैं तो भूलकर भी ऐसा ना करें। वहीं जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं, उनको एक दूसरे को ये चीजें बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से आपके रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, साथ ही आपका रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है। नेक्स्ट आर स्पिरिचुअल की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।